अंसर यासीन है। मैं UMC उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 32 डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ कैल्शियम एंड रोल ऑफ द आयरन। कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोथ एंड टीथ। हमारे जिस्म में जितनी हड्डियाँ, हमारे दांत हैं, इनके बढ़ने और इनकी मेंटेन रखने, इनको बरकरार रखने, इनकी ग्रोथ के लिए कैल्शियम जो है बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ नीडेड फॉर मेंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। हमारे सेल में जितनी भी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया के गिर्द मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के गिर्द, सब मेम्ब्रेन के बनने के अंदर कैल्शियम यूज़ होता है। कनेक्टिव टिश्यू में भी ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एंजाइम्स के बेहतर काम करने के लिए, प्रॉपर एक्शनिंग के लिए कैल्शियम इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। हमारा चोट लग जाए, खून निकलने के बाद जम जाता है, तो कैल्शियम हमारे खून के जमने में मदद देता है। ह्यूमन गेट कैल्शियम फ्रॉम, हम दूध से कैल्शियम हासिल करते हैं, मक्खन चीज़ पनीर से हासिल करते हैं, अंडे से, योक जर्दी से, बीन्स से, फलियों से, नट, दालें, कैबेज, बंद गोभी जो है, इन चीज़ों से हम जो है कैल्शियम हासिल करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम अकाज स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज ऑफ द नर्व इम्पल्स में रिजल्ट इन टैटनी। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो इससे एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं टैटनी, जिसमें खुद ब खुद जिस्म के अंदर जो है वो नर्व इम्पल्स जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं, यानी स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हड्डियाँ जो है वो भी नरम होना शुरू हो जाती है अगर जिस्म में कैल्शियम की कमी वाक़या हो जाए। और चोट लग जाए तो खून बहता रहता है, जल्दी खून जमता नहीं है, यानी ब्लड क्लॉटिंग भी स्लो हो जाती है। इसके अलावा वूंड हील स्लोली, ज़ख्म कोई लग जाए वो ज़ख्म भी जल्दी ठीक नहीं होता, वो ऐसा ऐसा जाके रिकवर होता है कैल्शियम की अगर कमी हो जाए। रोल ऑफ आयरन, इट प्ले मेजर रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। आयरन जो है बेसिकली हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसके अंदर आयरन मौजूद होता है। आयरन की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है। इट इज़ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल एंड मायोग्लोबिन इन मसल्स। आयरन हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन का बड़ा अहम जूस है, और इसके अलावा हमारे मसल्स जो है उसके अंदर मायोग्लोबिन प्रोटीन होती है, उसका भी अहम जूस आयरन जो है वो होता है। इसके अलावा सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन रिक्वायर्स आयरन। सेल को एनर्जी के पैदा करने के लिए भी आयरन की मुसलसल जो है वो ज़रूरत रहती है, और ये एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर का काम करता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, यानी ये एडिशनल नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है एंजाइम के साथ मिलकर और एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग में काम करता है। इसके अलावा आयरन जो है इट सपोर्ट्स इम्यून सिस्टम, हमारे जिस्म में बीमारियों के खिलाफ लड़ने की जो ताकत है उसको इम्यून सिस्टम का नाम दिया जाता है, जिसे हम डिफेंस सिस्टम कहते हैं। आयरन डिफेंस सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। ह्यूमन गेट आयरन फ्रॉम मीट, बेसिक सोर्स इसका गोश्त है, गोश्त से हम आयरन हासिल करते हैं, एग से भी, योक से भी, वीट, फिश, स्पाइनिश, पालक के में आयरन मौजूद होती है, मस्टर्ड में भी आयरन जो है वो मौजूद होती है। अगर कमी हो जाए आयरन की तो ये पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड वाइड जो है वो प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसका मसला ये होता है, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया जिसम में बहुत ज़्यादा आयरन की कमी, जिसमें आँख के गिर्द डार्क हल्के बन जाए, ऐसी बीमारी को हम आयरन एनीमिया का नाम देते हैं।